नंबर 6 500 की लगी डाल। डालता हूँ। 4 1000 की लगी 5 डाल। डालता हूँ। 6 यही हार गया। नंबर 4 पूरे 2000 की लगी डाल। डालता हूँ। भाई ये भी हार गए। एक मिनट अभी आता हूँ। ले ये मेरे घर के कागज, ये मेरे 10 एकड़ जमीन के कागज और ये मेरी फैक्ट्री के कागज। नंबर 2 पे सब लगा दिए डाल। डालता हूँ। ए ऊपर वाले आज बचा ले, आज के बाद जुआ ना खेलूंगा। 4 भाई तू ये भी हार गया। एक मिनट भाई। ओए नंबर 5 पर मेरी बीबी लगी डाल। डालता हूँ। मेरी बीबी को तो बचा ले, आज के बाद जुआ ना खेलूंगा। भाई एक तुम अपनी बीबी भी हार गए। शिट, जाओ बीबी, अब तुम इनकी हो गई, मैं तुम्हें जुए में हार गया। आ जाओ मैडम, अब तुम हमारी हो गई, आज ही सही। चलो जा रही हूँ मैं, फिर आऊंगा दूसरी शादी करके, फिर लगाऊंगा अपनी बीबी को, देखता हूँ कैसे हार गया। बचाओ बचाओ बचाओ। ओए इधर देख। वहीं पर रुक। अब ओए अब तू इधर देख। अब ओए तू इसे इतनी आसानी से किडनैप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसे तूने किडनैप कर रखा है वो एक जिंदा लाश है, मतलब आत्मा। आज से 3 दिन पहले इसका मर्डर हो गया था। अबे भाई जब इसका मर्डर हो गया तो इसकी आत्मा इस रोड पर क्यों घूम रही है? इस बात का पता हमें इसकी लाश पर ही जाकर पता चलेगा। इसकी लाश कहाँ है? वो हैगी उधर देख। आओ चलते हैं इसकी लाश पर। हाँ चलो। भाई मुझे पता चल गया इसकी आत्मा रोड पर क्यों घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि भाई लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से लोगों की इतनी मौत हुई कि शमशान घाट में जगह नहीं रही। हाँ भाई ये बात तो है। हाँ भाई जब इसकी आत्मा शमशान घाट गई रहने के लिए तो इसे शमशान घाट के मूर्तों ने डंडों से मार मार के भगा दिया और इससे बोले चल अभी तू बाहर रह, तेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है रहने के लिए। शमशान घाट में जगह ना रही, घूमती रहती है शमशान घाट में जगह ना अभी। रुको भाई तुम्हें मरने से पहले ये बताना होगा तुम्हारा मर्डर किसने किया। शिट क्या हुआ? ये कौन है जो हमें मारना चाहता है? पानी पानी। एक मिनट भाई मैं अभी लाया पानी। भाई यहाँ खतरा, जल्दी चलो यहाँ से। बस यहीं पर सेव है। अरे यार ये है कौन जो हमारा पीछा कर रहा है? अरे भाई कोई भूत आत्मा तो नहीं है? इसका जवाब तो अब खजड़ेल बाबा ही देंगे। आओ खजड़ेल बाबा के पास चलते हैं। खजड़ेल बाबा की जय हो, खजड़ेल बाबा की जय हो, खजड़ेल बाबा की जय हो। बाबा हमारे बीच एक हवा पड़ी है जो ऐसे जू करके आती है और इस तरीके से चली जाती है। अबे बेवकूफो वो कोई हवा नहीं है, वो तुम्हारी वीडियो शूट करने वाला कैमरामैन है। ये देखो हम अपने कैमरा भूल गए बाबूजी। कौन? आई एम सांता क्लॉस, आसमान से आया हूँ घोड़ों की सवारी करते हुए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर। अरे बस सांता क्लॉस क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए? ये जैकेट, ठंड बहुत हो रही है पहन लेना। लो अब 950 रुपए दे दो इस जैकेट के। हैं? सांता क्लॉस को पैसे देने पड़ते हैं गिफ्ट देने के? और क्या भाई, मैं भी तो ये जैकेट आसमान पर से खरीद के लाया हूँ 500 रुपए की। आप 950 रुपए की तुम्हें भेज दी, उसमें से 450 रुपए का फायदा मुझे हो जाएगा। ठीक है लो। थैंक यू, क्रिसमस डे के दिन मुझे पैसा अच्छे कम जाते हैं तुम लोगों को गिफ्ट दे देकर। सांता क्लॉस भाई एक मिनट, मेरी एक विश पूरी कर दो। हाँ बोल। मुझे अपने घोड़ों पर बिठाकर आसमान के सर करा दो। आके बैठ। बैठ रहा हूँ। चल मेरे अच्छे से घोड़े, इसे पूरा आसमान की सैर करा का। ठीक है चलो उतर जा, करा दी तुझे आसमान की सैर। है मुझे आसमान की सैर कराइए, मुझे तो जमीन की सैर कराइए। बेटा आसमान पर लॉकडाउन लगा हुआ है, अगले क्रिसमस डे आऊंगा तब कराऊंगा तुझे आसमान की सैर। और हाँ बात सुन, ये घोड़ा तुझे जमीन की सैर कराते कराते थक गया, ला 500 रुपए दे दे, मैं इसे बिरयानी खिलवा दूंगा होटल पे। अबे कैसे क्रिसमस डे पे आए हैं? अब ओए इसका सर पेड़ में क्यों मार रहा है? भाई इसने मेरी बीबी का नंबर अपने दिमाग में फिट कर लिया, अब मैं इसका सिर पेड़ में मार मार कर अपनी बीबी का नंबर बाहर निकाल लिया हूँ। अब ओए इधर आ। आ रहा हूँ। तब भाग जा। अब ओए तूने उसे क्यों भगा दिया? अब वो मेरी बीबी को फोन कर कर के परेशान करेगा। अब ओए तेरी शादी हो गई? ना अभी तो नहीं हुई है, पूरी 1 साल बाद होगी मेरी शादी। अब जब तेरी अभी शादी नहीं हुई तो तेरी बीबी का नंबर उस पर आया कैसे? तू पागल है क्या? अब ओए मैंने तुझसे कब कहा मेरी शादी हो गई? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है बीबी और पता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मैं उससे कहूँ ना बैठ जा तो वो लेट जाए। चल तो ठीक है भाई, दोनों जने मिलकर ढूंढते हैं और उसके दिमाग से तेरी बीबी का फोन नंबर निकालते हैं। हाँ चलो भाई आ जा। एक मिनट, वैसे भाई तेरी बीबी का फोन नंबर क्या? भाई मेरी बीबी कोई सिम ही नहीं चलाती।
अबे भाई जब तेरे बीबी सिम नहीं चलाती तो उसका फोन नंबर कौन सा? भाई उसका फोन नंबर नहीं है, उसका फोन नंबर मॉडल है आईफोन 14 प्रो मैक्स जो अभी लॉन्च हुआ हमें बर्बाद करने के लिए। यही तो मुझे समझा देता है, फोन लेना अपने दिमाग से निकाल दे। अरे भाई मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने पास काम पर रख लो भूत भगाने के लिए। चल तो ठीक है फिर यहाँ को आ जा। हाँ आ रहा हूँ, आ गया। अबे बड़ी जल्दी आ गया। अरे अरे भाई क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई क्या चाहिए आपको? अब वो तुझे मेरी आवाज ना आ रही तो बहरा है क्या? अबे मैं तेरी कोई बात ना सुनूंगा क्योंकि मैं भूत हूँ। है तो भूत है, चल तो मेरे पास भूत भगाने के लिए आत्मा आएगी। आत्मा इसे भगा। चल चल। अरे भाई ये भूत तो भागी ना रही है। अबे तो भाई फिर ये भूत कैसे भागेगा? मैं 500 का नोट देख के भागूंगा। हैं अच्छा चल तो नहीं आएगा 500 का नोट। मुझे बहुत डर लगता है 500 के नोट से। हैं अच्छा चल तो ले मैं ये 500 नोट अपनी दुकान के बाहर रख देता हूँ, फिर तो मेरे दुकान के आसपास ही नहीं आएगा। अरे नहीं भाई ये 500 का नोट तुम अपनी दुकान के बाहर मत रखो, तुम एक काम करो ये 500 का नोट मेरी जेब में रख दो, फिर मैं ये शहरी छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ रख लिया रख लिया। जल्दी से अबे भाई क्या फाइटिंग आओ देखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या फाइटिंग है बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई थैंक यू थैंक यू। तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो ना, तुम मुझे उससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी समझ रहे हो। अबे मैंने तुम्हें अपनी फाइटिंग दिखाई है जान पे खेल को और तुम मुझे क्या दे रहे हो 10-5 रुपए। अबे आज के टाइम में 10-5 रुपए की औकात है? 500 तू दे 1000 ये देगा, वो तो पता अभी मैं तुमसे कम मांग रही हूँ ना, तो लोग मेरी फाइटिंग देखने के 1-1 मिनट की 1-1 लाख रुपए दे दें मुझे। मुंबई का नाम सुना कभी? जब सलमान भाई जर रहे अभी फिल्म बना का आया मैं ब्रूस ली की, भाई साहब सुपर डुपर हिट गई, ब्रूस ली भी हैरान रह गया, यूँ कह रहा है कि इससे इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आ गई। अबे ओ भैये हमने तो झूठ बोला, हमने तेरी फाइटिंग ना देखी, हम आंखों से अंधे हैं। ए तुम अंधो तो तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? मेरे घर वालों ने सिखाया कभी अंधों को मत सताना, बहुत बद्दुआ लगती है। चलो जाओ यहाँ से अपने अपने घरों को। बच गए ना बचे, बेवकूफ बना रहा हूँ मुझे, लाओ 5-5 रुपए तो दोनों मेरी फाइटिंग देखने के। और क्या ना अबे भाई मुझसे कोई खाली फाइटिंग ही आती है, फाइटिंग से हटके चोरी किडनैपिंग सब आती है। स्कूल में ठीक है, मेरे स्कूल में एडमिशन करवा लो, 250 रुपए एडमिशन फीस है, 2500 रुपए महीने की फीस है। लो भाई ये तुम्हारे फाइटिंग के 500 रुपए, हम कल से आ जाएंगे सीखने के लिए। ठीक है जाओ। अरे भाई तुम्हारे पापा का फोन आया मेरे पास, यूँ कह रहा है मेरे लड़के की जेब में 500 रुपए, तू उन्हें चुरा के लेके भाग जा। अबे भाई मेरे पापा क्यों कहेंगे मेरे जेब से 500 रुपए चुरवाने के लिए? भाई हम चोरों का भला करने के लिए, 5 दिन हो गए मैंने किसी की भी चोरी नहीं की, फिर मैंने तुम्हारे पापा से फोन करके पूछा कि अंकल तुम्हारे लड़के की जेब से 500 रुपए चुरा लूं, तुम्हारे पापा बोले हाँ चुरा ले बेटा। चल तो लो भाई अंकल चुरा ले। ठीक भाई 1 मिनट पहले मैं अपने पापा से फोन करके पूछ लूं। अब ओए तू पागल है, इतनी छोटी सी बात अपने पापा से पूछेगा? अब हाँ यार भाई ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन भाई मैं पूछूं किससे? भाई तुम एक काम करो, तुम मेरे छोटे वाले भाई से पूछ लो, वो बहुत ईमानदार है। कहाँ है तुम्हारा छोटा भाई? भाई देखो वो हैगा चोरी करता हुआ। अरे भाई यार ये मेरी जेब से 500 रुपए चोरी करने के लिए कह रहा है, मैं सबने 500 रुपए चुरवा दूं? हाँ हाँ भाई चुरवा दो कोई दिक्कत ना। चलो ठीक है भाई यार चुरा ले मेरी जेब से 500 रुपए। हाँ भाई चुरा रही हूँ। अबे भाई ऐसे क्यों चल लिया है? भाई यार मुझे बहुत ठंड लग रही है। ले ये पकड़ शर्ट, देख नंगा खड़ा हूँ तेरे सामने फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही। अबे भाई तुम्हें ठंड क्यों नहीं लग रही? क्योंकि भाई मेरे पास पैसा है और पैसों में गर्मी इतनी होती है तुम्हें पता है। चल भाई अब तू घर जा, और हाँ बात सुन, तू भी मेरी तरह पैसे कमाने लग, तुझे भी ठंड नहीं लगेगी मेरी तरह। ठीक है। अरे भाई तुम तो वही जो मुझे समझा रहे थे, लेकिन अब तुम्हें ठंड क्यों लग रही है? क्योंकि भाई पहले मेरे पास पैसा था तो मेरे अंदर पैसों की गर्मी थी, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे अंदर पैसों की गर्मी नहीं है, अब मुझे ठंड लग रही है। भाई 1 मिनट तुम्हारे पैसे कहाँ गए? भाई मेरे साथ चलो। डॉक्टर साहब मैं अपने एटीट्यूड में आकर 10 मिनट के लिए रोड पर नंगा खड़ा हो गया, अब मुझे बहुत ठंड लगी है, मुझे बचा लो। ओके मैं दवाई लिख देता हूँ, आप ये दवाई मेडिकल पर से ले लेना। भाई यह है दवाई का पर्चा, उस दिन से मेरे सारे पैसे दवाइयों में उठ गए। तुम भी तो एटीट्यूड दिखा रहे हो। अरे भाई इधर आना। हाँ भाई। भाई यहाँ पे क्या हुआ? भाई यहाँ पे मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? शिट। इसका मर्डर किसने किया? ओए तू इधर आ। हाँ भाई। इसका मर्डर किसने किया?
अबे तुम लोगों के मुंह में जवान नहीं है, ऐसे किसी का मटर बीच सड़क पर हो जाएगा और तुम लोग देखते रहोगे। और भाई हम कर भी कह सकते हैं। तू इधर आ। हाँ भाई। इन्हें यहाँ से सबको अपने अपने घर भेज। ठीक है, चलो भाई तुम अपने अपने घर को जाओ, हम अस्पताल पहुँचने के लिए। ओए चल, अब तू इसकी जेब की तलाश ले, जितने पैसे निकलेंगे वो हम आधे आधे करेंगे। ठीक है। अरे भाई इसकी जेब में तो लेटर निकला। पढ़ इसके अंदर क्या लिख रहा है। पढ़ता हूँ भाई, जो है मेरी लाश को शमशान घाट पहुँचाएगा मैं उसे 5 लाख रुपए का नाम दूंगा। भाई देखना शमशान घाट उधर है क्या। नहीं भाई इधर तो नहीं। ओ भाई जा रही हूँ मैं इसे शमशान घाट लेकर, 5 लाख का इनाम मुझे चाहिए। तो पागल है, कौन है बता। 5 लाख रुपए पापा, अब तो मैंने सोच लिया मैं एक दिन पढ़ लिख कर एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा। एक मिनट भाई इधर आना। हाँ भाई, तुम पढ़ लिख कर कितने बड़े पुलिस ऑफिसर बनोगे। एक मिनट भाई, अभी बताता हूँ। भाई इधर आना। आया भाई, मुझे ऊपर उठाना। भाई इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ठीक है भाई, जिस दिन तुम पुलिस वाले बन जाओ ना, तुम उस दिन सबसे पहले मुझे जेल में लेके जाना। क्यों? क्योंकि भाई जेल में पुलिस वाले से पिटने के बाद ना खाना पीना सब फ्री मिलता है। हाँ भाई ये तो है। अरे भाई यार मुझे भी ले चलो पुलिस स्टेशन गिरफ्तार करके। अबे भाई मैं पुलिस वाला नहीं हूँ अभी। तो भाई आपकी नजरों में कोई पुलिस वाला हो तो उनसे फोन करके कह दो मुझे आके गिरफ्तार कर लेंगे। अबे भाई दुनिया पुलिस वालों से बसती है और तू पुलिस वालों से गिरफ्तार होना चाहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मुझे भूख लग रही है। मैंने सुना पुलिस स्टेशन में पुलिस के हाथों से पिटने के बाद खाना पीना सब फ्री मिलता है। ठीक है, कर रहे हो पुलिस। हाँ करो फोन करो।